अब ना आप लोग को दिल्ली उल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में गए, कोचिंग वहाँ डाला गया, तो जब हम लोग ने वहाँ से वैकेंसी निकाली, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ऐसे लड़के फॉर्म अप्लाई किए थे जो पिछले एक दो साल पहले दिल्ली आए थे, बढ़िया से 2-2.5 लाख रुपया दिए थे और कोचिंग किए थे। हर वो एग्जाम में आपके हर उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है जिसका फॉर्म आने से पहले आपकी तैयारी हो, उसमें कंफर्म हो जाता है, फिर आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। और एग्जाम हॉल में आप पता लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम हो, आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? अभी ऐसा नहीं है कि प्रतिभा की कमी है। यहाँ से जब हम BPSC की कॉपी जांच करने के लिए दिल्ली भेजे थे, तो बहुत सारे लड़कों की जो वहाँ पे ऑलरेडी जिनकी इंटरव्यू हो चुकी है, जैसे जो लड़के इंटरव्यू दे रहे हैं वो चेक किए, वहाँ से हमारे पास कई लड़के और लड़कियों के लिए रिकमेंडेशन आया कि सर आप इन बच्चों को पटना में मत रखिए, अगर ये लोग सक्षम है दिल्ली आने के लिए तो भेज दीजिए, नहीं तो अपने पैसे पे इन्हें दिल्ली भेजिए, क्योंकि ये श्योर हम बताते हैं कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो क्षमता है, तो वो यहीं के लड़के लड़कियों का क्षमता है। हमको खुश हो, हमको मत पूछिए, गदगद हो गए भाई। माता पिता और शिक्षक को क्या चाहिए, आप लोग जितना आगे जाए और हम लोग को क्या चीज मिलेगा। आज से 4 साल पहले भी इसी स्टेज पे पढ़ा रहे थे, आप लोग बाद आइएगा 4-5 साल बाद तो भी आप हमको यहीं देखिएगा। हमारे लिए क्या चीज़ है, बस हमारे लिए तो यही है चीज़, लेकिन आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे खुशी होता है। अब ना आप लोग को दिल्ली उल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत वहाँ के लोगों को आप रोजगार दे चुके हो, आप बेरोजगारों से वहाँ बहुत रोजगार चल रहा है। बहुत ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के सिलेक्शन नहीं हो, यहाँ भी होगा। अच्छे टीचर पहले यहाँ नहीं आते थे, और पटना की खराबी क्या है ना, गहराई नहीं है टीचर्स के पास, अपनी विद्वता दिखाने में लग जाता है। मतलब कई वाला ऐसा होता है ना कि फाउंडेशन में भी वही बात, BPSC में भी वही बात, UPSC में भी वही, ऐसे नहीं होता है जी। आप देखिएगा फाउंडेशन में अलग, फाउंडेशन फाउंडेशन की तरह होता है, फाउंडेशन मतलब बुनियाद, नींव ढाला जाता है, तो नींव में देखिएगा ज्यादा चिकनाहट नहीं देखा जाता है, बस मजबूत ठोस मोटका मोटका ईंटा चाहिए यहाँ पे, समझ में। और जब ऊपर आ जाता है तो थोड़ा सा बढ़िया से दिया जाता है, अरे भैया ये बाहर का हिस्सा हो गया। आप लोग का क्लास भी चल रहा होगा, जैसे यहाँ भी पॉलिटी चल रही है, BPSC में पॉलिटी, आप देखेंगे सेम नहीं होगा, चेंजिंग देखने को मिलेगा, और वो चेंजिंग क्यों है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फाउंडेशन में अगर वो वाली बात पढ़ाया जाएगा तो आप बोर होने लगेंगे, अच्छा BPSC या UPSC में ये वाली बात पढ़ाएंगे तो आप वहां जाके बोर होने लगेंगे। ये सब चीजों की यहाँ कमी थी, अब तो दूर हो जाए। अभी आप में से कितने लोग हैं जो BPSC वाले में भी है, हाथ उठाइए, पॉलिटी प्लस BPSC दोनों में कितने लड़के हैं, अब हाथ नीचे कीजिए। आप लोग को BPSC वाले में इंटरेस्ट ज्यादा आता हो, आता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा रहता, लेकिन डायरेक्ट उसमें भेज देते तो गड़बड़ाने लगता, वो स्टैंडर्ड थोड़ा सा क्या हो जाता, हाई हो जाता। डायरेक्ट UPSC में भेज देते और माथा नोचाने लगता। तुम लोग UPSC वाले में भी हो, ले सब नौकरी करना है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। तो फाउंडेशन के बाद आपके लिए चीजें बहुत ही क्या हो जाती, इजी हो जाती, आपको दिमाग में आ जाता है कि हाँ अब चीजें कैसे चल रही, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे हम आपको फाउंडेशन के लिए अलग लेवल के बताएंगे, फिर PCS में अलग लेवल, IAS में अलग लेवल, एक ही बार में सब होगा नहीं होगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब हम लोग दिल्ली में गए और जब कोचिंग वहाँ डाला गया, तो उसमें कई इम्प्लॉयज की जरूरत होती है, तो जब हम लोग ने वहाँ से वैकेंसी निकाली कि हमें कुछ इम्प्लॉयज की जरूरत है, जैसे किसी को आई कार्ड बनाने के लिए, या फिर कई तरह के काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे से बड़े लेवल, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लगभग 300-400 ऐसे लड़के फॉर्म अप्लाई किए थे काम करने के लिए, जो पिछले एक दो साल पहले दिल्ली आए थे, बढ़िया से 2-2.5 लाख रुपया दिए थे और कोचिंग किए थे। घर वालों को लगा था कि अब हमारा बेटा सीधे कलेक्टर बन के निकलेगा, और 2-2.5 लाख रुपया कोचिंग में फूंक दिए, एडमिशन के नाम पे अलग, अब टेस्ट सीरीज के नाम पे अलग, अलग अलग करके 2-2.5 लाख फूंक दिए। 10,000 रुपया तो केवल रहने का है, यानी अगर आप कुछ भी बाहर से नहीं लेते हैं तो 2.5 लाख रुपया साल का तो रहने का आ जाएगा, तो 5 लाख तो ऐसे हो गया, कुल ले दे के 6-7 लाख फूंक दिए, घर से आना पैसा बंद हो। अब उनका कहना है कि सर हम फंस गए, 2-2.5 लाख रुपये में क्या मिला था। हम लोग पूछे कि भैया तुम्हें मिला क्या, कहा कि सर कुछ नहीं, बस चकाचौंध, फर्स्ट क्लास AC कुर्सी, तो ऐसा लग रहा था DM आजे बन गए। कॉपी ऐसे जांच होती थी, तुरंत आंसर शीट मिल जाता था। हम कहें यार इतना कैसे पॉसिबल होगा, तो कह रहा है कि जांच कहाँ होता था, साइन मार के भेज देता था तभी जांच हो सकता है। आप लोग की कॉपी जांच करने में 15-20 दिन लग गया, रीजन क्या है कि मेहनत लगता है पढ़ने में उस चीजों के, आप तो वहां फूका के रह गया। लेकिन आप लोग के लिए ऐसा समस्या नहीं आएगा, इसलिए जो लोग UPSC वाले बैच है उन लोग के भी एप्लीकेशन पर वैलिडिटी बहुत लंबा दिए, कि अगर कोई लोग में गलती भी होगा छूट भी जाएगा, तो एक समय आएगा दोबारा रिविजन करके पढ़।